आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम सभी का स्वागत करते हैं आज के इस सभा में। और आज का जो हमारा विषय है वो है स्पिरिचुअल एम्बिशन। टॉपिक के नाम पे दिया था कि ये युवाओं के लिए है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे सिर्फ युवाओं के रूप में हम ना देखें, ये सभी के लिए, सभी मसीहियों के लिए ये विषय बहुत ही जरूरी है। तो स्पिरिचुअल एम्बिशन, अब जब मैं ये विषय के बारे में बात करने जा रहा हूँ, पहले ही मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरी कुछ बातें सभी को पसंद ना आए, क्योंकि ये एम्बिशंस के बारे में, महत्वाकांक्षाओं के बारे में। और अगर युवाओं में कोई दो चीज मैंने देखी है जो बहुत उनमें भरी हुई होती है, वो है नंबर वन जोश, दे हैव द एनर्जी, और नंबर टू एम्बिशंस, उनका एम्बिशन बहुत एम्बिशियस होते हैं यंगस्टर्स। तो इसके लिए अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको, आप सब चीजों से सहमत ना हो मुझसे, मुझे इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सबका अपना अपना, परमेश्वर ने जैसा कन्विक्शन दिया है उस हिसाब से हमें आगे चलना है। लेकिन ये वो बातें हैं जो परमेश्वर ने मुझसे मेरे मन में बातें की है, और इसके लिए आपके साथ ये मैं बांटना चाहता हूँ। तो पहले हम देखेंगे एम्बिशन का डेफिनेशन क्या है, इसका एम्बिशन शब्द का अर्थ क्या है। इंग्लिश में लिखा है अ स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड डिटर्मिनेशन टू डू और अचीव समथिंग। मैं इसे हिंदी में पढ़ूंगा, कुछ करने या प्राप्त करने की तीव्र इच्छा और दृढ़ संकल्प। सो एम्बिशन या महत्वाकांक्षा का मतलब है कि एक व्यक्ति को एक कुछ कोई एक कार्य करने के लिए उसने अपने मन में ठान रखी है, और वो कार्य करने या फिर वो उस चीज को प्राप्त करने के लिए उसके मन में एक बहुत तीव्र इच्छा है। ये एक नॉर्मल कहते हैं ना कि मैं उम्मीद करता हूँ ये होगा, उस प्रकार का होप नहीं है, एक 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 उम्मीद नहीं है, ये एक तीव्र इच्छा है कि मुझे ये करना है, ये मेरा लक्ष्य है और मुझे वहां पर पहुंचना है या मुझे ये प्राप्त करना है। और ना सिर्फ एक तीव्र इच्छा है लेकिन एक दृढ़ संकल्प भी है कि वो कहते हैं ना कि कमर कस के आगे बढ़ रहे हैं कि उस दिशा में जाने के लिए या उस चीज को प्राप्त करने के लिए ये व्यक्ति पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से उसने अपनी तैयारी कर ली है। तो ये है एम्बिशन या फिर महत्वाकांक्षा का डेफिनेशन, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड डिटर्मिनेशन टू डू और अचीव समथिंग, कुछ करने या प्राप्त करने की तीव्र इच्छा और दृढ़ संकल्प। तो मैंने इस एम्बिशंस को दो घुटों में बांटा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक है वर्ल्डली एम्बिशंस यानी कि सांसारिक महत्वाकांक्षा है, और एक है स्पिरिचुअल एम्बिशंस, आत्मिक महत्वाकांक्षा है। अब हालांकि आज हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल एम्बिशंस पर, आत्मिक महत्वाकांक्षाओं पर, लेकिन मैं दुख से नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि प्रिपेयर करते करते मैं ज्यादातर वर्ल्डली एम्बिशंस के बारे में ही आज बात करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से हमें वर्ल्डली या फिर सांसारिक जो एम्बिशंस है, महत्वाकांक्षा है, उसके बारे में पता करना बहुत जरूरी है हमें। जब हम पता करेंगे कि सांसारिक महत्वाकांक्षाएं कितनी गलत है और कितनी खाली है, जैसे कि अर्पणा ने वर्षिप के समय में कहा था कि आप संसार की सारी चीजों को आप अगर समेट लोगे अपने हाथों में, लेकिन अगर आपके जीवन में यीशु मसीह का प्रेम नहीं है तो वो सारी चीजें व्यर्थ है। तो स्पिरिचुअल एम्बिशंस या फिर आत्मिक महत्वाकांक्षाओं का अगर आपको वर्थ वैल्यू आपको समझना है, तो आपको वर्ल्डली एम्बिशंस का यूजलेसनेस पहले समझना होगा कि वो कितना कितना व्यर्थ है हमारी सांसारिक महत्वाकांक्षा। तो कुछ उदाहरण बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ बहुत मुश्किल से दो या तीन मैंने उदाहरण उठाए हैं। तो पहला है मेकिंग मनी या फिर पैसा कमाना। जब हम पैसा कमाने का लक्ष्य रखते हैं एक सांसारिक रूप से, तो उस लक्ष्य के पीछे कुछ कारण होते हैं कि क्यों मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, ये मैंने अपनी महत्वाकांक्षा क्यों बनाई है, और ये कुछ कारण है जिसके वजह से एक व्यक्ति अपने जीवन में ये ध्येय भला अपना अपने जीवन में ये लक्ष्य बना लेता है कि मुझे पैसा कमाना है। नंबर वन, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि उच्च जीवन स्तर। हम हमेशा सोचते हैं कि
बाकी सब लोग इतने अच्छे से जी रहे हैं, इतना सारा पैसा कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, तो हम हमेशा गरीब रहेंगे वो अच्छा नहीं है। हमें पैसा कमाना है ताकि हमें, अगर हम लोअर मिडिल क्लास है तो हमें हायर मिडिल क्लास में जाना है, फिर वहां से हमें अपर क्लास जाना है, तो हमारा जो जीवन स्तर है वो हमें ऊंचा करना है। इसके लिए बहुत सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं। दूसरा है सेल्फ सफिशिएंसी। हमारे संसार में एक विचार है कि अगर मेरे हाथ में पैसा है, अगर मेरे हाथ में अच्छा एक सॉलिड बैंक बैलेंस है, तो मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ, मैं अपने आप में आत्मनिर्भर हूँ, मुझे किसी और के दया पर, किसी और के रहम पर जीने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग के पास पैसा बहुत होता है उनके अकाउंट में, वो एक तरीके से निश्चिंत रहते हैं, और जैसे पैसे का लेवल कम अगर उनके अकाउंट में होता है तो वो डरते हैं कि अभी मुझे किसी और पर निर्भर होना पड़ेगा, किसी और से पैसे मांगने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये भी एक कारण होता है। तीसरा है लग्जरियस लिविंग, शान शौकत का जीवन। कब तक हम वही छोटे से चौल में रहेंगे? एक 2 BHK होना चाहिए हमारे साथ, या फिर एक 3 BHK होना चाहिए। कब तक हम वो छोटी गाड़ी में रहेंगे? एक बड़ी गाड़ी, आलिशान गाड़ी, जिसमें ज्यादा AC हो, ज्यादा सुख सुविधाएं हो। तो ये जो लग्जरी के पीछे जो लोग भागते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है क्यों लोग पैसा कमाना चाहते हैं। अगला है टू गेन एक्सेप्टेंस, पॉपुलैरिटी एंड हैप्पीनेस। हमारे संसार में एक ये भी सोच है कि अगर तुम पैसा कमा चुके हो, अगर तुमने अपने जीवन में पैसा कमाकर अपने लिए एक जगह बनाई है, अगर तुम अमीर हो चुके हो उस प्रकार से, तो तुम्हारे बातों में वजन है। एक गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता। अगर तुम्हें एक्सेप्टेंस चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि जब तुम बात करो तो 2 लोग तुम्हारी बात सुने और तुम्हारी बात पर ध्यान दे और तुम्हारे बात का कोई वहां पर महत्व हो, तो जरूरी है कि तुम अपने जीवन में कुछ बनो, या फिर कुछ अमीर बनो, या फिर तुमने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। कुछ समय पहले मैंने एक बॉलीवुड स्टार को कहते हुए सुना था कि पहले तुम अमीर बनो, उसके बाद तुम फिलोसोफर बनो। यानी कि अगर तुम गरीब बनकर फिलोसफी झाड़ते हो कि संसार में हम क्या लाए थे, क्या लेके जाएंगे, इसके लिए मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो वो बॉलीवुड स्टार कहता है कि तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप अमीर बनोगे, फिर आप ये फिलोसफी झाड़ो, लोग आपकी बात मानेंगे। तो लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मैं अमीर नहीं हूँ, तो मेरी कोई सुनेगा नहीं। तो इस कारण भी लोगों को लोग अपना पैसा बनाना अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। अब ये सारी बातें हैं वर्ल्डली एम्बिशंस का एक उदाहरण है। अब हम स्पिरिचुअल एम्बिशन का एक उदाहरण देखेंगे। इसका ये भी एक स्पिरिचुअल एम्बिशन, पैसा कमाना। आप देखेंगे कि दोनों सेम है, यहाँ पर भी पैसा कमाना है, आत्मिक महत्वाकांक्षा भी पैसा कमाना है, लेकिन हम देखेंगे कि अंतर का है, अंतर है इसके कारण में। एक व्यक्ति क्यों पैसा कमाना चाहता है, उसकी ये आत्मिक महत्वाकांक्षा क्यों कैसे बन सकती है। पहला कारण, टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली नीड्स। अगर मैं गरीब रहता हूँ, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, इनफ पैसे नहीं है, तो मैं अपने परिवार वालों की जो जरूरतें हैं मैं वो पूरी नहीं कर सकता। अगर मेरे बच्चे हैं तो मैं उन्हें स्कूल नहीं भेज सकता, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। अगर मेरे बूढ़े माँ बाप है तो उनके जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, उन्हें उनके जो मेडिकल का खर्चा आता है, मैं वो नहीं उठा पाऊंगा अगर मेरे पास पैसे नहीं है। तो एक व्यक्ति, और अगर हम अपने परिवार का ख्याल नहीं रखते, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा एक व्यक्ति एक अनबिलीवर, या फिर एक जो दूसरे जाति का जो व्यक्ति है, उससे भी बुरा इंसान है। तो मैं पैसा कमाना चाहता हूँ अपने परिवार की रेख देख करने के लिए, उनका टेक केयर करने के लिए मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, और वो करने से मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ। तो ये एक अच्छा कारण है, और जब इस कारण के लिए हम पैसा कमाना चाहते हैं तो वही स्पिरिचुअल एम्बिशन बनता है। दूसरा है टू गिव मोर टू द चर्च एंड टू गॉड्स किंगडम वर्क। मैं पैसा कमाकर अपने बैंक बैलेंस का ये लेवल नहीं बढ़ाना चाहता, मैं परमेश्वर के काम के लिए, कलीसिया के लिए, जो मिशनरीज को पैसा जाता है, जो इवेंजलिस्ट को पैसा जाता है, और बहुत सारे जो परमेश्वर के राज्य के काम होते हैं, मैं अपने कमाई में से कुछ भाग उनको भी देना चाहता हूँ। अगर मैं कम कमाता हूँ या फिर मेरे पास इनफ पैसे नहीं है, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। अगर ये ध्येय रख के अगर मैं पैसा कमाना चाहूँ, तो वो एक अच्छा कारण हो सकता है, और वो एक स्पिरिचुअल एम्बिशन बन सकता है। तीसरा है टू वाइजली सेव फॉर द फ्यूचर। मैं पैसे कमाता हूँ, अगर मैं 5 रुपए कमाता हूँ, तो मैं 2 रुपए उसमें से बचाना चाहता हूँ, और आगे एक ऐसा कोई समय आए जब मेरे पास कोई अचानक से कोई बीमार पड़े घर पे, या फिर अचानक से कोई जरूरत आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इधर उधर भागता फिरूंगा और उसमें कुछ बुरा हो जाए मेरे घर पे। तो ये गलत बात नहीं है। एक विश्वासी के लिए पैसा सेव करना, जमाना और आगे के एक दिन के लिए रखना, ये
कुछ लोग बोलते हैं कि जब तुम ये करते हो इसका मतलब तुम्हें परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का ये मतलब नहीं है कि मैं बुद्धि से काम न करूं, मैं पैसे जमा करूंगा लेकिन मेरा विश्वास उस पर नहीं है, मेरा विश्वास परमेश्वर पे। तो ये सारी चीजें, अगर ये सारे रीजंस है आपके पैसे कमाने के पीछे, तो ये एक स्पिरिचुअल एम्बिशन है। एक और उदाहरण देखेंगे, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग को ये एक एम्बिशन होता है, ये एक उनकी उनका लक्ष्य होता है कि मुझे पूरा दुनिया घूमना है, या फिर कुछ लोगों को ये एम्बिशन होता है कि मुझे फॉरेन कहीं पे जाके सेटल होना है, यहाँ पर तो कुछ जम नहीं रहा, यहाँ पर कुछ खास नहीं, मुझे किसी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होना है। तो इसके पीछे कारण क्या है? नंबर वन, लग्जूरियस लिविंग, जैसे मैंने पहले कहा पैसे के मामले में, यहाँ पर भी यहाँ पर कुछ रखा नहीं है, यहाँ पर अगर मैं रहूंगा, इस देश में अगर रहूंगा तो मुझे ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती, बाहर जाऊंगा वहां पर ज्यादा आरामदेह जीवन है, वहां पर ज्यादा मुझे लग्जरियस लिविंग मिलेगा। ये कारण से अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रैवल करें तो आपको अपने लक्ष्य को फिर से एक बार सोचना चाहिए। दूसरा है शो ऑफ। अगर हम ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये वो अनकहा सच है जो कोई कहना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह जाना चाहते हैं और वो उन सारी जगहों पर जाना चाहते हैं ताकि वो फोटोज क्लिक करे, वीडियोस क्लिक करे और सोशल मीडिया पर डाले, लोगों को दिखाए कि देखो आज मैं गोवा गया, देखो आज मैं यूएस गया, देखो मैं यहाँ पर गया, मैंने सर्फिंग की, मैंने ये की वो की। ये डालने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये सारी बातों के लिए हम चीजें करना चाहते हैं, तो ये गलत है। ये हुआ वर्ल्डली एम्बिशंस। ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, सेम टॉपिक, एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक लक्ष्य से भी हम कर सकते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? टू एक्सप्लोर गॉड्स वंडरफुल क्रिएशन। मैं जाना चाहता हूँ जगहों पर, मैं देखना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इस दुनिया में कितनी सारी विविधता है, कितने सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, पक्षी है, ये है, नई नई जगहों में जाना चाहता हूँ मैं, परमेश्वर के अद्भुत रचना को करीब से जानना चाहता हूँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छा कारण है अगर आप चाहते हैं आप दुनिया की सैर करना चाहते हैं। गॉस्पेल मैसेज टू फार ऑफ लैंड, सुसमाचार संदेश को दूर दराज जगहों तक ले जाना। बहुत सारे मसीह कई जगहों पर जाना चाहते हैं, लेकिन ये उनका लक्ष्य बहुत कम लोगों में होता है कि मुझे जो सुसमाचार है मुझे ऐसे जगहों पर लेके जाना है जहां पर परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार आज तक पहुंचा नहीं है। आप अगर देखोगे पुराने समय में जो यूएस में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, यूके में थे, वहां से जो मिशनरीज है जहां पर उन्हें एक लग्जूरियस लिविंग वहां पर उन्हें मिल रहा था, वो सब छोड़ के वो आते हैं नेपाल में, चाइना में, इंडिया में, वो जिसे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं वो वहां पर आते हैं। उनका लक्ष्य ये नहीं होता कि मैं ज्यादा आरामदायक जिंदगी जीना चाहता हूँ, वो ट्रैवल करते हैं, वो वर्ल्ड घूमते हैं ताकि वो परमेश्वर का जो सुसमाचार है यीशु मसीह का वो लोगों तक पहुंचा सके। रिसेंटली हम जानते हैं कि एक मिशनरी के बारे में जो यहाँ पर इंडिया के साउथ में आए थे, एक अबैंडन्ड आइलैंड नेशन में आए थे वो, और वहां पर उन्हें मार दिया गया था। उन्हें भी ट्रैवल करना था लेकिन उनका लक्ष्य वो था, उनका लक्ष्य जो है वो एक आत्मिक लक्ष्य था, ना कि एक सांसारिक लक्ष्य। अगर आप बाइबल में देखोगे जो प्रेरित पौलुस है, उन्होंने तीन बड़े वर्ल्ड टूर्स किए। मैं ये नहीं कहूंगा वर्ल्ड टूर क्योंकि पूरे दुनिया तो नहीं घूमे, लेकिन उस समय में जो उनका नोन वर्ल्ड था, जो मिडिल ईस्टर्न जो जगह थे, वो सभी जगहों पर गए थे और उन्होंने ट्रैवल किया। उन्होंने ट्रैवल क्यों किया? ज्यादा आराम या लग्जरी दूर कर उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, वो उन्होंने ट्रैवल किया ताकि वो यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बता सके। तो ट्रैवलिंग द वर्ल्ड में ये जो लेफ्ट में दी गई है, ये अगर आपके कारण है तो आपको फिर से सोचना होगा, लेकिन अगर आपके रीजंस ये जो राइट पे दिए वो है तो जरूर जाइए, आप दुनिया घूमिए, जगहों पर जाइए और परमेश्वर की जो सुंदर रचना है उसका आनंद लीजिए और परमेश्वर के बारे में दूसरों को भी बताना अगर आपका लक्ष्य है तो वो बहुत अच्छी बात है। एक और लास्ट एग्जांपल दूंगा, लूजिंग वेट, गेटिंग मोर फिट, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है आजकल। तो लोगों को ये लक्ष्य, इनका ये एम्बिशन बन जाता है कि मुझे शरीर कम करना है, मुझे मोटापा घटाना है और मुझे ज्यादा स्वस्थ बनना है। अभी सुनने में ये बहुत ही अच्छा एक लक्ष्य है, इसमें क्या बुराई हो सकती है? लेकिन इसमें भी कारण, रीजंस जो है वो गलत हो सकते हैं। पहला हो सकता है गेन अटेंशन। जो हम बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं, एक बार हम पतले हो जाएंगे, हमारे एब्स निकल आएंगे, हमारे लड़कों में जो मसल्स निकल आ जाएंगे, उनके कपड़ों का जो साइज है वो घटता चला जाएगा, वो ज्यादा स्किन हगिंग होने लगेगा। पहले जो लूज कपड़े पहनते थे वो ज्यादा टाइट कपड़े पहनने चालू करेंगे।
फैशन कह लीजिए इसे, लेकिन मैं कहूंगा ये हमारे अंदर का जो पाप का स्वभाव है कि हम अपने शरीर का प्रदर्शन करना चाहते हैं। और ये मैं दोनों लड़कों लड़कियों के लिए भी कह रहा हूँ, हम लड़कों और लड़कियों दोनों में भी ये बात होती है कि अगर मैं थोड़ा पतला होता हूँ या फिर अगर मैं थोड़ी पतली होती हूँ तो मुझे क्रॉप टॉप्स पहनने हैं, मुझे वैसे वाले कपड़े पहनने। मुझसे किसी ने एक बार कहा था कि मैं बॉडी अगर बनाऊ और अगर मैं दिखाऊ नहीं तो इसमें मैं क्यों बॉडी बनाऊ, उसका फायदा क्या है बॉडी बनाने का। तो ये एक गलत कारण है जिसके जिसके वजह से एक व्यक्ति जो है वो अपना वजन घटाना चाहेगा। दूसरा है ओवर पावर अदर्स। ये लड़कों में अगर आप लड़के हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, आपको पता है ये इसका मतलब क्या है। अगर आप पतले दुबले से हो और अगर आप किसी से बात कर रहे हो या आर्ग्यू कर रहे हो तो आप थोड़े से दुबक जाते हो क्योंकि सामने वाला आपसे शायद से शारीरिक रूप से ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर आपने अच्छी खासी बॉडी बना ली है तो आप आवाज उठाकर बात कर सकते हो, आप उनको ओवर पावर कर सकते हो, अपने आप को सामने वाले पर हावी कर सकते हो। तो ये भी एक गलत कारण हो सकता है जिसके लिए लोग बॉडी बनाना चाहते हैं या फिर फिट रहना चाहते हैं। अब यही लूजिंग वेट का एक सही कारण हो सकता है, टू ऑनर गॉड्स टेम्पल बाय टेकिंग गुड केयर ऑफ इट। ये जो मेरा शरीर है ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तो अगर मैं इस मंदिर को सब गलत चीजों से भर रहा हूँ, जंक फूड, फास्ट फूड और दुनिया भर की जो गलत चीजें हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब करके अगर मैं अपने शरीर को हानि पहुंचा रहा हूँ तो वो मैं अपने शरीर को नहीं, मैं परमेश्वर का निरादर कर रहा हूँ वो कर। तो अगर मैं जानता हूँ कि मैं बहुत मोटा हो चुका हूँ और ये उस कारण है कि मैंने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया है, तो मेरा एक लक्ष्य हो सकता है कि मुझे पतला होना है और मेरा कारण हो सकता है कि मुझे अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है, मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा दी गई मेरे लिए एक देन है। तो ये कारण से अगर मैं चीजें करता हूं तो वो सही हो सकता है। एक तीसरा कैटेगरी भी है, हमने देखा कि आत्मिक महत्वाकांक्षा है और सांसारिक महत्वाकांक्षा है, वर्ल्डली एम्बिशंस। लेकिन एक तीसरा कैटेगरी है स्पिरिचुअली मास्ट वर्ल्डली एम्बिशंस। ये वर्ड्स है, आपको थोड़ा बहुत इसका मतलब समझा होगा कि मेरी एक महत्वाकांक्षा है वो असल में सांसारिक है, मैं अपने लिए करना चाहता हूँ। वो जो गलत कारण हमने देखे थे वो गलत कारणों से ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक मुखौटा पहन रखा है, एक नकाब पहन रखा है ये दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं सही कारणों के लिए कर रहा हूँ, मैं आत्मिक कारणों के लिए कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं पैसा ज्यादा कमाऊँ या फिर मैं ज्यादा फिट बनूँ। तो ये जो है ये दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए हम एक नकाब पहन लेते हैं। ज्यादातर ये जो है ये मसीही लोग करते हैं क्योंकि चर्च में, कलीसिया में मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे पैसा कमाना है ताकि मेरे पास बहुत पैसे हो, तो मुझे उनके सामने बताने के लिए एक कारण चाहिए, नहीं नहीं मैं परमेश्वर की महिमा के लिए ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ। हो सकता है उसके पीछे का जो कारण है वो वही हो, जो लालच हो, लोभ हो, वो सब कारण हो। तो ये जस्ट मैं पासिंग में कहना चाहता कि ये तीसरा एक कैटेगरी है, आत्मिक नकाब पहने हुए सांसारिक महत्वाकांक्षा, तो हमें इससे बचना है। अब साबू की महत्वाकांक्षा है, क्या वो आत्मिक है या फिर वो सांसारिक है या फिर वो ये इस प्रकार की तीसरी कैटेगरी की है, ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कोई और इसका जवाब नहीं देख सकता। सिर्फ मैं जान सकता हूं कि मेरा सच्चाई क्या है। मेरी अगर कोई महत्वाकांक्षा है, अगर मेरा कोई एम्बिशन है, तो मुझे अपने आप के साथ बैठना होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना होगा और मुझे अपने आप से सिंसियर ऑनेस्टली ये क्वेश्चन पूछना होगा कि मैं क्यों करना चाहता हूँ वो जो मैं करना चाहता हूँ। और अगर आप ऑनेस्ट रहोगे, अगर आप ईमानदारी से अपने आप से पूछोगे तो परमेश्वर आपके हृदय के अंदर जो सच का कारण है वो आपके सामने जरूर बाहर लाएगा और आपको समझ में आ जाएगा, अरे मैं शायद से एक नकाब पहन रहा था आज तक, मेरा जो कारण है मेरे महत्वाकांक्षाओं के पीछे वो गलत है। हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा कि जैसे मैंने कहा मैं वर्ल्डली एम्बिशंस पर ज्यादा बात करने वाला हूँ, सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में ज्यादा बात करने वाला हूँ। तो हमने देखा कि किस प्रकार एक महत्वाकांक्षा गलत कारणों के कारण वो एक गलत एम्बिशन बन सकता है। तो हम कुछ कारण देखेंगे, कुछ ऐसे प्रेरक देखेंगे, सम मोटिवेटर्स, जिसके वजह से एक व्यक्ति सांसारिक एम्बिशंस उसके दिल में आ सकते हैं। पहला है ग्रीड, जैसे हमने वो पैसे के मामले में देखा। ग्रीड कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स, लालच जो है वो एक कारण हो सकता है कि क्यों एक व्यक्ति के अंदर सांसारिक महत्वाकांक्षा आ जाती है। इसके लिए बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने
लूका के सुसमाचार 12 के 15 12 अध्याय के 15वें वचन में कहा है, और उसने उनसे कहा यानी कि यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो जैसा मैंने पहले कहा, इस संसार में एक गलत ये सोच है कि आपके पास जितना ज्यादा आपके पास चीजें होंगी उतना ज्यादा आपका स्तर बढ़ेगा, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपका आदर करेंगे, और जिसके पास ज्यादा चीजें नहीं है जीवन में, पैसे कम है, घर कम है, गाड़ियां कम है, उसके तरफ कोई देखेगा नहीं और उसका जीवन खाली है। तो यीशु मसीह ने इस भ्रम को हटाते हुए कहा है कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अब जब यीशु मसीह ने ये कहा है तो हमें इस बारे में सच में चौकस रहना है कि मे ग्रीड नॉट टेक ओवर आवर लाइफ्स, ऐसा ना हो कि हमारी सारी महत्वाकांक्षाओं के पीछे एक्चुअल कारण लालच हो। ये एक और वचन में पढ़ूंगा, पहले तिमुथियस के 6:9-10 वचन में लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सारे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देता है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो मैं किसी को जानता हूं, वो हमेशा मुझसे ये पूछते हैं कि क्या अमीर बनना या फिर क्या पैसे कमाना परमेश्वर के खिलाफ है, क्या पैसे कमाना पाप है, क्या अमीर बनने की इच्छा रखना पाप है। तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि अमीर बनना पाप है। एक व्यक्ति को अगर परमेश्वर अमीर बनाता है और उसके बावजूद अगर वो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास रखता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पैसा अपने आप में या अमीरी अपने आप में पाप या गलत बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्योंकि हमारे अंदर ये पाप का स्वभाव है, ज्यादातर होता है कि पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में व्यक्ति जो है वो अपने विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है, थोड़ा बहुत यहाँ वहां कॉम्प्रोमाइज कर करके फिर वो ऐसे जगह पर पहुंच जाता है कि वो उसके जीवन में पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी करेगा। तो यहाँ पर इसके लिए इस वचन में कहा गया है कि हमें सावधान रहना है। पैसा अपने आप में गलत नहीं है। किसी ने एक बार किसी को मैंने कहते हुए सुना था कि पैसा आग के समान है। आग एक बहुत अच्छी चीज है, आप आग से अपना खाना बना सकते हो और बहुत सारी चीज अपने आपको ठंडी के समय में अपने आपको गर्मी दे सकते हो। आग एक टूल के समान है, आपके हाथों में एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप उस आग को कंट्रोल से बाहर होने देते हैं, अगर आप उसको नियंत्रण में नहीं रखते तो यही आग आपके घर को जला सकती है। तो पैसा कमाना या फिर एक बिजनेस खोलने की इच्छा रखना, एक अपना खुद का बिजनेस खोलना, ये सब इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमें केयरफुल रहना, हमें सावधान रहना, क्योंकि लालच जो है वो हमारे पाप के स्वभाव के अंदर है और वो अगर हमने उस पर कंट्रोल नहीं रखा तो हमारा जीवन सिर्फ पैसे के लिए हो सकता है। और यहाँ पर जिस प्रकार उस वचन में लिखा है, हाँ, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, यानी कि पैसे को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक, वो विश्वास से भटक गए हैं। अब इस प्रकार का अगर अमीरी अगर आप देखेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है एक विश्वासी के लिए। अगर आपकी अमीरी या अमीर बनने की आपकी जो चाहत है वो अगर आपको विश्वास से भटका देती है तो वो बहुत ही गलत बात है। तो पहला जो मोटिवेटर या फिर पहला जो प्रेरक हमने देखा सांसारिक महत्वाकांक्षाओं का, वो है लालच। इसके कारण बहुत सारे लोग जो सांसारिक लक्ष्य उनके बन जाते हैं। दूसरा है एनवी या फिर ईर्ष्या, जिसे हम जलन भी कह सकते हैं, और उसी से क्लोजली कनेक्टेड दूसरी एक बात है कवेचसनेस यानी कि लोभ। इसका अर्थ क्या है हम देखेंगे। इसका डेफिनेशन एनवी या फिर कवेचसनेस का डेफिनेशन है, अ फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटेड लॉन्गिंग अराउज्ड बाय समवन एल्सस पोजेशंस और क्वालिटीज। आप किसी को जानते हो जिसके पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, पैसा हुआ, गाड़ी हुई, या फिर उसके पास कोई ऐसे गुण है, कोई गा सकता है, किसी की आवाज अच्छी है, कोई अच्छे से डांस कर सकता है, कोई अच्छे से गिटार बजा सकता है,
कोई गुण या फिर कोई चीज किसी के पास है जो आपके पास नहीं है, और क्योंकि वो चीज आपके पास नहीं है आपको यहाँ पर नीचे लिखा है किसी और की संपत्ति या गुणों से उत्तेजित असंतोष की भावना, आप खुश नहीं हो, आप किसी और को अच्छा करते हुए देखते हो या किसी और को अमीर देखते हो और आपके अंदर वो एक दुख की भावना आती है, एक असंतोष की भावना आती है कि मैं क्यों ऐसा हूं, मेरे पड़ोसी के पास तो इतनी सारी गाड़ियां हैं, मेरे पड़ोसी तो हमेशा खुश रहते हैं, उनके पास कभी पैसों की कमी नहीं होती है, मेरे पास इतने कम पैसे क्यों है। तो ये जो सोच है उसे हम ईर्ष्या कहते हैं, और ये बहुत एक खतरनाक एक भाव है जो हमारे दिल में हो सकती है। और कवेटसनेस का भी मतलब वही है, ईर्ष्या का मतलब है सिर्फ मन में भाव होना कि किसी और के पास है मेरे पास नहीं है मुझे बुरा लग रहा है। कवेटसनेस का मतलब अर्थ यह है कि मुझे अब वो चाहिए और जो मेरे पास नहीं है उसे पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो इस प्रकार के भाव के साथ या फिर इस प्रकार की भावनाओं के साथ जब आप एम्बिशन सेट करते हो एक मसीह के जीवन के लिए, वो बहुत ही गलत एम्बिशंस है। हम बाइबल में पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक 3:16 में लिखा है, इसलिए कि जहां ईर्ष्या और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। आप इन दोनों जो चित्र दिए हैं इसमें आप बहुत क्लियरली आप समझ गए होंगे, पहला चित्र है काइन और एबल का और दूसरा चित्र है कैसे जोसेफ के भाइयों ने उसे ईर्ष्या के कारण उस जो जो खाली जो कुआ है उसमें फेंक दिया। जो पहले काइन और एबल के केस में आप जानते हो कि एबल जो है वो परमेश्वर का प्रिय था, उसकी जो उसका जो बलि है वो परमेश्वर ने स्वीकार किया, लेकिन काइन का जो बलि है परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर की प्रीति जो है वो एबल के पास है मेरे पास नहीं है, ये बात काइन को पसंद नहीं आई, उसके अंदर ईर्ष्या जगी। जोसेफ के बारे में भी आप जानते हो, यूसेफ अपने पिता का प्रिय था, उसके पास आप वो चित्र में बाजू में देख सकते हो वो कोट दिया गया है जो रंगीन जो ओवरकोट था जो उसके पिता ने उसे दिया था क्योंकि वो उससे ज्यादा प्रेम करते थे। उसके सारे जो भाई है वो उससे बहुत क्रोधित रहते थे, उससे बहुत गुस्सा रहते थे क्योंकि उनके उनके पिता का जो प्रेम है वो उसके पास था, उन्हें वो उस हिसाब से मिल नहीं रहा था। तो यूसुफ के पास है हमारे पास नहीं है, और हम दोनों केसेस में जानते हैं कि इसका जो इस ईर्ष्या का जो भाव है उसका अंत भला नहीं हुआ। एक केस में भाई ने भाई को मार दिया और दूसरे में भाइयों ने मिलकर अपने भाई को एक दास के रूप में बेच दिया। तो इसके लिए एनवी या फिर ईर्ष्या और जलन रखकर अगर आपका जो मोटिव आपका जो एम्बिशन है वो अगर जलन से फ्यूल हो रहा है या किसी के पास है करके मैंने मुझे भी चाहिए, अगर मेरा जो पड़ोसी है उसके पास BMW है तो मैंने अपना एम्बिशन बना लिया है कि मुझे भी BMW चाहिए, ये परमेश्वर से दी गई बात नहीं है, ये आपके पाप के स्वभाव के कारण ईर्ष्या के कारण आपने एक एम्बिशन बनाया है, गलत है। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है, व्यवस्था विवरण 5:21 में लिखा है, तू न किसी की पत्नी का लालच करना, न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल व गधे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। ये सारी बातें उस जमाने में पैसे के बराबर थी, तो हम ये नहीं कहेंगे नहीं मेरे को तो किसी के गधे का लालच नहीं है तो मैं सेफ हूं, नहीं, वो बात और चीजें अलग है लेकिन सिद्धांत जो है वो सेम है कि हमें उन चीजों के बारे में हमें लोभ नहीं करना है जो मेरे पड़ोसी या पड़ोसी मतलब कोई भी जिसे मैं जानता हूँ या मेरे बाजू में रहता है उसके पास है और मेरे पास नहीं, इसके लिए मुझे वो चाहिए, ये जो भाव है वो गलत है। और यहाँ पर परमेश्वर ने क्लियरली बताया कि वी शुड नॉट कवेट, हमें इस प्रकार का लोभ नहीं करना है। और 1 तिमोथियस के 6:8 में लिखा है, If we have food and clothing, we will be content with that. अब ये कुछ ऐसे वचन है जो आप मसीही सर्कल्स में क्रिश्चियन सर्कल्स में ज्यादा आप नहीं सुनोगे क्योंकि लोगों को ये सब बातें बोलना पसंद नहीं है। यहाँ पे लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यानी कि अगर आपके टेबल पे खाने को खाना है और अगर आपके शरीर के ऊपर बदन के ऊपर कपड़ा है तो आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए अपने पूरे दिल से, आपको आपको खुश होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको इतना कुछ दिया है।
जब भी मैं ये कहता हूँ, मेरे जान पहचान के लोग बोलते हैं कि तो क्या अगर खाने को दो रोटी और पहनने को फटा हुआ कपड़ा रहेगा तो फिर कुछ करना नहीं है क्या, हमें आगे कुछ सोचना नहीं है क्या, ये किस प्रकार की बात है? तो ये वो नहीं कह रहा है, ये यहाँ पे नहीं कह रहा है कि अगर खाने को है और पहनने को है तो आपको और कोई एम्बिशंस नहीं बनाने चाहिए, नहीं, ये वो नहीं कह रहे। इस वचन में बस इतना कहना चाह रहे हैं, इस वचन में पौलुस बस इतना कह रहे हैं कि अगर ये दोनों चीज आपके पास है तो आप आशीषित हो, आपको बैठकर रोने की जरूरत नहीं कि मेरे पास BMW नहीं है। आपको परमेश्वर ने खाने को खाना दिया है और पहनने को कपड़ा, वन इज कनेक्टेड विद योर नरिशमेंट। खाना जो है वो आपकी आपके शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है, एंड सेकेंड इज कनेक्टेड टू योर इंटेग्रिटी, योर डिग्निटी। आपके शरीर पर आप नंगे नहीं हो, आपके पास पहनने को कपड़े हैं। हमारा संसार जो इस प्रकार इस समय बन चुका है कि मसीही लोगों को हमेशा किसी न किसी चीज की कमी लगती है कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, परमेश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, मैंने इतनी प्रार्थना की मुझे नहीं मिला। इस वचन में पौलुस कहता है कि अगर ये दोनों चीजें तुम्हारे पास है, तुम आनंद बनाओ, तुम खुशी बनाओ कि तुम आशीषित हो परमेश्वर से, और उसके ऊपर जो है वो परमेश्वर तुम्हें देगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं, फिर से मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें काम नहीं करना है, हमें जिम्मेदारियां नहीं उठानी है, लेकिन हमें दुखी नहीं होना है कि मेरे पास कम है, किसी चीज की कमी है। इब्रानियों के पुस्तक 13वें अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो यहाँ पर कहा गया कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, और ये वादा सुनने के बाद भी अगर तुम दुखी हो, अगर तुम दूसरों की चीजें पाना चाहते हो, तुम ये कह रहे हो कि यीशु मसीह मेरे पास है लेकिन उससे मुझे क्या, मेरा क्या फायदा अगर परमेश्वर मेरे साथ है हमेशा, अगर वो उन्होंने कहा है कि वो मुझे नहीं छोड़ेंगे और मुझे नहीं त्यागेंगे, इससे मेरा क्या फायदा, मुझे वो चीज चाहिए, मुझे वो जो चीज जिस पर मैंने अपना लोभ रखा है मुझे वो चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति किसे चाहिए। तो इस प्रकार का एक इनडायरेक्ट मैसेज हम देते हैं जब हम लोभ करते हैं, दूसरों की चीजों का आग्रह करते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ये दूसरी बात है, पहला हमने देखा था लालच, दूसरा है ईर्ष्या, एनवी, या फिर कविचसनेस, लोभ, दूसरे के पास जो है वो मुझे चाहिए। ये अगर इन सभी चीजों से हमारे एम्बिशंस आगे बढ़ते हैं तो वो गलत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात देखेंगे, तीसरा कारण क्या है कुछ लोगों के सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के पीछे, डिजायर फॉर प्रोमिनेंस एंड प्रेजेस ऑफ मैन। कुछ लोगों को ऐसा चाहिए कि मैं ऐसे एक जगह पर पहुंचूं जहां पर आई विल कॉल द शॉट्स, मैं तय करूंगा कि क्या करना है। कुछ लोगों को अपने कंपनी में बड़े ओहदे पर पहुंचना होता है क्योंकि वो थक चुके हैं दूसरों से ऑर्डर्स लेते लेते, अपने बॉसेस से ऑर्डर्स लेते लेते वो थक चुके हैं। अभी वो चाहते हैं कि वो ऐसे एक पोजिशन में पहुंचे कि लोग उन्हें रिस्पेक्ट करें, लोग एक अच्छे पोजीशन में वो रहे जहां पर वो अपना डिसीशंस खुद ले सके, वो दूसरों पे अपने डिसीशंस को डाल सके। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा बातें मानता रहूं और कोई ना कोई मुझसे काम करवाता रहे। तो प्रमुखता की जो इच्छा है और मनुष्यों की प्रशंसा, अगर मैं एक कंपनी का बड़ा चेयरमैन या जो भी है बनता हूं तो लोग मुझे कहेंगे कि अरे वाह, इसने अपने जीवन में कुछ किया है, इसने एक अच्छा जो औहदा है अपने लिए पाया है। तो लोगों की प्रशंसा और प्रमुखता का लोभ, ये दोनों कारण की वजह से बहुत सारे लोग अपनी एम्बिशंस बनाते हैं, मुझे इस कंपनी का सीईओ बनना है या फिर मुझे यहाँ जाना है वहां, जो भी है। तो अगर ये आपका कारण है इस आपके एम्बिशन के पीछे तो वो गलत है। एक आप अगर बाइबल में देखोगे, एक एक जगह है मत्ती के सुसमाचार 20वें अध्याय में, जहां पर एक माँ यीशु मसीह के पास आती है, इस माँ के दो बेटे हैं, वो अपने जॉन और जेम्स है जो यीशु मसीह के चेले हैं। तो उनकी जो माँ है वो यीशु मसीह के पास आती है और वो एक विनती करती है यीशु मसीह से। तो हम पढ़ेंगे कि वो क्या विनती करती है, 20वें मत्ती 20वें अध्याय के 20 और 21 21वें वचन में लिखा है, जब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी, उसने उससे कहा तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, ये कह कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं में बैठे। तो ये माँ जो है
वी कैन कॉल हर एन एम्बिशियस मदर, उसको अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा इस माँ को है, वो अपने जो बेटे हैं उनके गुरु के पास जाके कहती है कि तू, हम जानते हैं कि तू ही मसीह है और मैं चाहती हूँ कि तू मेरे दो बेटों को अपने लेफ्ट और राइट में रखे, अपने दाहिने और बाएं ओर पे रखे जब तू अपने राज्य में आए। अब ये जानना जरूरी है कि बहुत सारे जो यहूदी लोग थे वो सोच भी नहीं रहे थे कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उन्हें बहुत सारी तकलीफों से गुजरना होगा और उसके बाद उनका पुनरुत्थान होगा और बहुत समय बाद वो फिर से लौटेंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे। ज्यादातर यहूदियों को ये लगता था कि यीशु मसीह जो है वो अपने जीवन काल में ही रोमी साम्राज्य पर पूरी तरह से उन्हें हरा देंगे और इज़राइल में अपनी जो अपना जो राज्य है उसे स्थापित करेंगे। तो ये जो माँ है, जेम्स और जॉन की माँ, वो बहुत जल्दी, शी इज अ वेरी ऑपर्चुनिस्ट वुमन, शी कम्स एंड सेज आपका राज्य आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ये विनती माने, मेरे दो बेटों को अपने राज्य के दाहिने ओर, इसका मतलब उनका जो राजा का जो चीफ होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो दो पोजिशंस आप मेरे बच्चों को दें। शी इज एन एम्बिशियस वुमन, वो एक महत्वाकांक्षी माँ है, उसके अपने बच्चों के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा है। हम देखेंगे आगे क्या होता है। 24वें वचन से लेके 28वें वचन में लिखा है, यह सुनकर दसों चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए, यानी कि उन्हें गुस्सा आया। ये दो लोग गुरु के पास जा रहे हैं, उनकी माँ उन्हें गुरु के पास लेके जा रही है और बोल रही है कि इन दोनों को प्राइम मिनिस्टर, मैं वो वर्ड यूज कर रहा हमारे समझने के लिए, कि प्राइम मिनिस्टर्स का, मेन मिनिस्टर्स का जगह उनको दे। तो इनको गुस्सा आया, इनको गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि उन्हें चाहिए वो जगह, हम लोग ऐसे ही बैठेंगे और ये लोग दोनों आके इतना बड़ा पोजीशन लेके इनकी माँ आके रिक्वेस्ट करेगी और उनको मिल जाएगा। ये भाव है उनका, उनको गुस्सा आ रहा है क्योंकि उन्हें वो चीज चाहिए और ये दोनों लोग उस पोजीशन को लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। तो यीशु मसीह जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो आपके दिलों को देखता है, वो पूरी तरह से वो जानते हैं कि इन्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्हें वो प्रोमिनेंस का जगह चाहिए, वो आधिकारिक जो पद है वो उनको चाहिए, इसके लिए उन्हें गुस्सा आ रहा है कि कोई और वो पद लेके जा रहा है। तो यीशु मसीह उनको कहते हैं कि इस संसार के लोग जो है वो पोजीशंस के पीछे भागते हैं ताकि वो दूसरों के ऊपर अपना जो अधिकार है वो जमा सके। आगे वो कहते हैं, परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। तो इस एम्बिशियस ग्रुप को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इस पद को पाना चाहते हो, इस पोजीशन को पाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसके साथ अधिकार आएगा, ताकत आएगी, शक्ति आएगी और मैं दूसरों के ऊपर अपना जो दबाव है वो बनाकर रख सकूंगा। जैसा हमने कहा, प्राइड, द डिजायर फॉर प्रोमिनेंस, प्रमुखता की चाह थी उन लोगों में और यीशु मसीह ने उनके उस विचार को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा, तुम में से जो ऊपर जाना चाहता है वो सेवक बने। हमारे कितने सारे मसीही लोगों में ये उनका एम्बिशन होता है कि मैं दूसरों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं एक ऐसे पोजीशन पे रहना चाहता हूँ जहां पे मैं दूसरों की सेवा करना चाहता हूँ। ये बहुत कम है, कम, ये एक भाव है जो बहुत कम देखा जाता है मसीहियों के बीच में भी, हालांकि सब जगहों पर ऐसा नहीं होता। तो यीशु मसीह कहते हैं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं इसलिए नहीं आया कि मैं एक सिंहासन पर बैठ के दूसरों पर राज करूं, मैं सेवा करने आया हूँ और तुम अपने आप को अगर मेरे चेले बताते हो तो तुम्हें भी वही करना है जो मैंने किया है। हम कहते हैं ना कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के चेले हैं, वी आर हिज डिसाइपल्स। तो चेले वो होते हैं जो गुरु को देखते हैं और गुरु जिस प्रकार अपना जीवन जीते हैं चेले भी उस प्रकार जीना चाहते हैं। तो यीशु मसीह सेवा करने आए थे और बहुतों को छुड़ाने के लिए आए थे। तो क्या एक मसीही का ये एम्बिशन होना चाहिए कि मुझे एक हायर पोजीशन चाहिए ताकि मैं दूसरों के ऊपर अपना जो रॉब है, जो रुतबा है, वो दिखा सकूं? नहीं, ये एक गलत एम्बिशन है एक मसीही के लिए।
परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना के 3:30 में, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटू। इस संसार में जब लोग चाहते हैं कि दूसरे घटे और मैं बढ़ू, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि हमारा ये एक मसीह का इस प्रकार का भाव होना चाहिए कि मैं घटू और परमेश्वर बढ़े, यीशु मसीह बढ़े। अगर मैं एक अच्छा सर्मन देता हूँ, अगर मैं एक अच्छा बाइबल स्टडी लेता हूँ, अगर मैं एक अच्छा गाना गाता हूँ, वर्शिप सॉन्ग लीड करता हूँ, अगर मेरे दिल में ये इच्छा है कि लोग मेरी वाहवाही करें कि अरे क्या मैसेज लिया है, या फिर अरे क्या वर्शिप सॉन्ग इसने गाया, अगर उस उद्देश्य के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ तो वो गलत है। वहां पर मैं अपनी बड़ाई करना चाहता हूँ। लेकिन जिस प्रकार यूहन्ना ने कहा था, ये बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की वाणी है, उन्होंने कहा था कि अवश्य है कि यीशु बढ़े और मैं घटू। हम में से हर एक को अपने दिल में झांककर ये पूछना है, क्या ये मेरी इच्छा है? हर चीज में जो भी मैं करता हूं, क्या मेरी इच्छा उसके पीछे ये है कि परमेश्वर का नाम बढ़े और मेरा नाम घटे? अगला वचन है मत्ती के 16:24 में, इसमें लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इस संसार में जो मैसेज जाता है सभी को वो ये है कि अपने आप को स्वीकार करो। अगर तुम किसी चीज को चाहते हो तो उसके पीछे पूरी जान लगाकर उस चीज को पाने के लिए उसके पीछे हो लो। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि अपने आप को इनकार करो, अपने आप का इनकार करो। इसका मतलब क्या है? वो जो गलत भाव है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे लोगों के ऊपर अधिकार जताना है, उस भाव के साथ अगर मैं कोई लक्ष्य रखता हूँ तो मुझे ये जानना है कि ये मेरे पाप के स्वभाव के कारण मैंने ये लक्ष्य रखा है और मुझे अपने आप को इनकार करना है। मैं बोलूंगा नहीं, मुझे ये लक्ष्य नहीं रखना है क्योंकि ये मेरे पाप स्वभाव के कारण लिया गया हुआ लक्ष्य है। इस लक्ष्य के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं बढ़ रहे, मैं बढ़ रहा हूँ, और हमें इस चीज का इनकार करना है। प्रेरित पौलुस कहते हैं गलतियों के पुस्तक 1:10 में कहते हैं, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अगर मेरी इच्छा है कि लोग मेरी बड़ाई करें, लोग अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने की मेरी इच्छा है तो मैं यीशु मसीह का दास नहीं बन सकता। यानी कि अगर हम अपने आप को मसीही कहलाते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमें बड़ा औहदा मिले और लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारी वाहवाही करें, तो ये वचन क्लियरली कहता है कि ऐसा एक व्यक्ति मसीह का दास हो ही नहीं सकता। क्योंकि मसीह का दास कभी नहीं चाहेंगे कि अटेंशन उनके तरफ हो, वो अपने संपूर्ण जीवन के साथ ये चाहेंगे कि मैं जो भी करूं सभी की प्रशंसा जो है वो प्रभु यीशु मसीह को मिलनी चाहिए। सभी का जो अटेंशन है, जो प्रेजेस है, इट शुड बी फॉर क्राइस्ट एंड नॉट फॉर मी। अगर ऐसा एक व्यक्ति नहीं डिजायर करता, नहीं चाहता, ये अगर व्यक्ति की इच्छा नहीं है तो हमें ये भी डाउट करना होगा कि क्या ये व्यक्ति मसीह का दास है। ये वचन वही कहता है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे कि क्या कारण हो सकता है वर्ल्डली एम्बिशंस के लिए, आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा। अब हम कहेंगे कि ये तो हम नहीं करते, हम मसीह लोग हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। तो मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक मूर्ति को लकड़े से या फिर कोई धातु की वस्तु से बनाए और उसकी पूजा करें। नहीं, बाइबल में इसी को मूर्ति पूजा कही जाती है, लेकिन मूर्ति पूजा इससे बढ़कर है। मूर्ति पूजा का अर्थ है हम किसी चीज या फिर किसी व्यक्ति पर हम इतना भरोसा करते हैं कि हम उसे परमेश्वर का स्थान अपने जीवन में देते हैं। हम जो स्थान हमें परमेश्वर को देना चाहिए, हम उस चीज को या फिर उस व्यक्ति को वो जब स्थान देते हैं, तो ये इस चीज को मूर्ति पूजा कहते हैं। मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो देखा नेट पे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, द आइडल्स वी वर्शिप। कनान में लोग, जो पहला आप देख रहे हैं लेफ्ट में, उस जो गाय या बछड़े की पूजा करते थे, और राइट में जो आप देख रहे हैं, जो वॉल स्ट्रीट, जो स्टॉक एक्सचेंज के बाहर जो बैल रखा रहता है, आज लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। और ये एक तरह से बहुत ही एक अच्छा, मुझे ये इमेज बहुत पसंद आया कि आज हम पैसे की पूजा कर रहे हैं और हमें लगता है कि नहीं, हम मूर्ति पूजक नहीं है।
पैसे की पूजा करने का अर्थ क्या है कि हम सोच रहे हैं कि पैसा मुझे बचाएगा। अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा भरकर है, अगर मैं अमीर हूं, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो मैं आश्वस्त हो सकता हूँ, मैं रिलैक्स हो सकता हूँ। और इसी प्रकार का जीवन बहुत सारे लोग जीते हैं, और इसी कारण लोग अपना गलत एम्बिशंस बनाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 20वें अध्याय के 7वें वचन में, किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जिनका भरोसा रथों पर और घोड़ों पर होता है। अगेन, आज के समय में रथ और घोड़ों पर किसी का भरोसा नहीं है आज के मॉडर्न डे में, बट इसका मतलब है परमेश्वर को छोड़ लोगों का भरोसा बहुत सारी चीजों पर होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा पैसा मुझे बचाएगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरी जो शिक्षा है, मेरा जो एजुकेशन है, मुझे बचाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा कॉन्टैक्ट्स है, मैं बहुत अच्छे लोगों को जानता हूँ, वो मुझे बचाएंगे। तो अलग अलग चीजों पर लोग अपना विश्वास रखते हैं, लेकिन एक मसीह होने के नाते हमें इन चीजों पर नहीं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखना है। और परमेश्वर पर विश्वास रखकर हम जो भी लक्ष्य बनाएंगे वो सही होगा, लेकिन उन चीजों पर विश्वास रखकर अगर हम अपना लक्ष्य बनाते हैं वो गलत होगा। एक बहुत ही फैमिलियर, बहुत ही जाना माना एक वचन है, भजन संहिता 23वें भजन संहिता का पहला वचन, जिसमें कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हम ये बहुत बार कहते हैं, और कभी कभी हम इतना जल्दी ये कहते हैं कि हम इसके बारे में सोचते नहीं है। लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट बी इन वॉन्ट। मतलब क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई चीज की कमी नहीं होगी। बहुत सारे लोग इस चीज को हटा देते हैं, वो इस चीज को इस प्रकार देखते हैं कि क्योंकि मेरे पास MBA की डिग्री है, मुझे कोई कमी नहीं होगी, या फिर क्योंकि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, मुझे कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास 6 इंश्योरेंस पॉलिसीज है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। मैं कल भी अपनी पत्नी के साथ बात कर रहा था कि किस प्रकार एक व्यक्ति का घर, जो उसका नॉन मूवेबल एसेट जिसे हम कहते हैं, उसको गवर्नमेंट कल आके डिसाइड कर सकती है कि वो निकाल सकती है, रोड बड़ा करने के लिए शायद से मेरा घर गवर्नमेंट तोड़ने का डिसीजन ले सकती है, और वो चला जाएगा। उस पर मेरा जितना भी भरोसा है कि इस घर पे, घर के कारण मैं सुरक्षित हूँ, वो मेरे हाथ से निकल सकता है। तो ये एक छोटा उदाहरण है कि हम बहुत सारी चीजों को अपना मूर्ति बना लेते हैं, अपना आइडल बना लेते हैं। वो हमारा शरीर हो सकता है, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, अगर अगर मेरे चाचा विधायक है, अगर अगर मेरे रिलेटिव्स पॉलिटिशियंस है, या फिर कोई अच्छे अथॉरिटी में है, तो मेरा विश्वास उनके अथॉरिटी पे हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें गलत है। इन सारी बातों पर विश्वास रखना और ये सोचना कि ये सारी चीजें हमें बचाएंगी, इन सारी चीजों के कारण मुझे कोई घटी नहीं होगी, ये एक मसीह के जीवन में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का सोच, एक मसीह के लिए यहोवा मेरा चरवाहा है और उस कारण मुझे कोई घटी नहीं होगी, ये हमें हमेशा याद रखना है। अगली बात हम देखेंगे जो है द डेल्यूजन दैट वी आर कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ्स। ये भ्रम लोगों में कभी कई बार होता है कि मैं अपने जीवन पर पूरी तरह से मेरा कंट्रोल है, मेरा नियंत्रण है, और ये सोच रखकर बहुत सारे लोग अपना लक्ष्य बनाते हैं, अपना एम्बिशंस बनाते हैं। इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक वचन के द्वारा समझाता हूँ। याकूब की पुस्तक 4वें अध्याय के 13 से लेकर 15वें वचन में लिखा है, तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वह काम भी करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है, एम्बिशंस बना लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं कि मुझे इतने सालों में ये करना है, मुझे इतने सालों में इस पोजीशन में पहुंचना है, ये इतने सालों में मुझे ये इतने सारे पैसे बनाने हैं। तो प्लान्स बना लेते हैं, लेकिन इसमें कहीं पर भी ये बात वो नहीं सोचते कि एट द एंड ऑफ द डे परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। मैं प्लान्स बना रहा हूँ लेकिन मैं उस प्लान्स पे मेरा पूरा भरोसा नहीं है। अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं ये प्लान बनाऊंगा, तो मैं ये पोजीशन पे पहुंचना चाहूंगा। बहुत सारे लोग परमेश्वर को पूरे स्टोरी से बाहर रख देते हैं, और बाद में जब उन्हें धक्का लगता है, जब उनके प्लान्स वर्कआउट नहीं करते, आप हमेशा एक दुखद बात है जो मैं हमेशा सुनता हूँ कि किस प्रकार जो स्टूडेंट्स है
वो किसी एग्जाम में फेल होने के कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं, वो अपनी जान दे देते हैं। अब ये तो एक बहुत, ऑल्दो ये एक दुखद बात है, लेकिन ये बहुत गलत सोच है कि मैंने एक प्लान बनाया, मुझे 90% चाहिए, और अगर मुझे नहीं मिला तो मैं वो अपना पर्सनल हार मान लूंगा और मैं अपने जीवन को, बोलते ना कि मैं मरना पसंद करूंगा ना कि परमेश्वर के इच्छा को स्वीकार करना। अब परमेश्वर की इच्छा थी कि मुझे 90% नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो इस प्रकार का जो सोच है कि मेरे जीवन का कंट्रोल, नियंत्रण मेरे हाथ में होना चाहिए और उस सोच को रखकर मैं अपने एम्बिशंस को सेट करूंगा, ये एक फेलियर का श्योर शॉर्ट रेसिपी है। हम इस कोरोना के समय में हम देख रहे हैं कितने सारे लोगों का प्लान यू ही पानी में चला गया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, एजुकेशन का, लोन लेने का, लोन रीपे करने का, या फिर बड़ा घर लेने का, घर बेचने का, रेंट पे जाना, बहुत सारे प्लान्स बहुत सारे लोगों ने बनाए थे, लेकिन कोरोना जैसी एक बीमारी से हमारे सारे प्लान्स ठप पड़ गए। तो हमें हमेशा ये जानना है कि मेरे जीवन का नियंत्रण मेरे हाथों में नहीं है, परमेश्वर के हाथों में। तो जैसे कि एंड में वहां पर लिखा है, इसके विपरीत हमें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे, अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं ये करना चाहूंगा, मैं ये बिजनेस करना चाहूंगा, या फिर मैं पढ़ाई करना चाहूंगा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और जब हम इस माइंडसेट के साथ, इस सोच के साथ हम एम्बिशंस को परस्यू करेंगे तो वो सही, वो स्पिरिचुअल एम्बिशंस होगा, ना कि वर्ल्डली एम्बिशंस। तो इतनी सारी बातें हमने कही, मैं ज्यादा समय और नहीं लूंगा, जल्दी से मैं खत्म करूंगा। जैसे मैंने कहा, ज्यादातर मैंने वर्ल्डली एम्बिशन, सांसारिक महत्वाकांक्षाओं पर ही बात की है। तो एंड में, क्योंकि मुझे उस पर ज्यादा समय बिताना था, स्पिरिचुअल एम्बिशंस को समझना उतना मुश्किल नहीं है। स्पिरिचुअल या फिर जो आत्मिक महत्वाकांक्षा है उसको समझना इतनी बड़ी बात नहीं है, सरल है, बहुत सिंपल है। लेकिन हमें ये समझना है कि किस प्रकार हमें सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के पीछे नहीं जाना चाहिए, उसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो अगर हम नहीं समझेंगे तो हम, जैसा मैंने वो पहले कहा था, वर्ल्डली एम्बिशंस को लेकर उसको स्पिरिचुअल एम्बिशंस का नकाब चढ़ाकर हमें लगेगा कि हम हमारे जीवन में सब सही है, मेरे एम्बिशन सब सही है, मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। इसके लिए वो सारी चीजों को मैंने बताया क्योंकि वो जानना जरूरी है। तो अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं, स्पिरिचुअल एम्बिशंस तो फिर है क्या? बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलुस कहते हैं, ओके, इसका मैंने हिंदी लिखा नहीं है, तो मैं अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे तो मैं जरा देख के पढ़ता हूं। ये है दूसरे कुरिन्थियों के अध्याय 5वां वचन, और 5वां अध्याय और 9वां वचन। इसमें लिखा है, इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, देयरफॉर वी आल्सो हैव एज आवर एम्बिशन वेदर एट होम और एब्सेंट टू बी प्लीजिंग टू हिम। एक मसीही विश्वासी के जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए कि भले ही मैंने जो भी एम्बिशंस मैंने मेरे दिमाग में सेट की हो, जो भी महत्वाकांक्षाओं के पीछे मैं काम कर रहा हूं या फिर मैं भाग रहा हूं, उन सारे महत्वाकांक्षाओं के पीछे, उन सारे एम्बिशंस के पीछे यही एक उद्देश्य होना चाहिए कि माई लाइफ शुड बी प्लीजिंग टू हिम। मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर को भाना चाहिए, मेरे जो प्लान्स है वो परमेश्वर को भाने चाहिए। अगर वो है तो मेरे एम्बिशन सही है। और जैसे मैंने पहले कहा, इसका जवाब कोई और आपके लिए नहीं दे सकता, आपको स्वयं परमेश्वर के साथ बैठना है, प्रार्थना में उनसे बातें करनी है कि मेरे ये लक्ष्य है प्रभु, मैंने अपने लिए ये एम्बिशन सेट किए, ये गोल्स मैंने सेट किए हैं, आप मुझे बताइए। जैसे कि पुराने नियम में दाऊद राजा जो है वो परमेश्वर से आग्रह करते हैं कि आप मेरे हृदय में जाकिए, देखिए कि मेरे मन में कोई गलत भाव तो नहीं है। अगर मैं चाहता हूं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो परमेश्वर से पूछिए कि वो आपके मन को टटोले और जानने की कोशिश कीजिए कि मैं पैसे क्यों कमाना चाहता हूँ, क्या मेरे उस उद्देश्य के पीछे परमेश्वर खुश है, मेरे उस एम्बिशन से क्या मैं परमेश्वर को भा रहा हूँ, क्या परमेश्वर मेरे उस एम्बिशन से खुश है, ये मुझे जानना बहुत जरूरी है। और अगर जवाब है नहीं, अगर आप ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ अपने आप से पूछ रहे हो और आपको परमेश्वर जवाब देते हैं, नहीं तू ये अपने लिए कर रहा है, अपनी महिमा के लिए कर रहा है, अपने अपने जो भी चीजें हमने देखी थी, अपने ग्रीड के लिए, अपने एनवी के लिए, ईर्ष्या के लिए, अपने लोभ के लिए,
प्रोमिनेंस की जो तेरी चाह है, जो प्राथमिकता चाहिए तुझे, लोगों से तुझे प्रेजेस चाहिए, ये सब चीजों के लिए तू कर रहा है, मेरे लिए तू ये कुछ कर ही नहीं रहा है। और जो तेरे एम्बिशन है, आई एम नॉट प्लीज्ड विद दोस, मुझे उस एम्बिशन से बिल्कुल खुशी नहीं है, मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। ये जवाब आपको अगर परमेश्वर से मिलता है तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ये बात स्वीकार करने के लिए कोई बुरी बात नहीं है कि आपको वो एम्बिशंस को त्यागना है, कहना है कि ये मैं गलत चीजों के पीछे भाग रहा था, मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरे परमेश्वर, अगर मेरे यीशु मसीह मुझसे संतुष्ट नहीं है, मेरे एम्बिशन से संतुष्ट नहीं है, तो मैं उनके पीछे क्यों भागू? क्योंकि जैसा, फिर से जैसा अर्पणा ने स्टार्ट में कहा, सब अगर आप पूरे संसार को ले लेते हो, लेकिन आप अगर यीशु मसीह के साथ आपका जो रिश्ता है वो अगर टूटता है, तो बाकी सारी चीजें किस आपकी किस काम आएंगी? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इस संसार में कुछ लाए नहीं थे और इस संसार से हम कुछ लेके नहीं जाने वाले, जैसे हम आए थे वैसे हम जा रहे हैं। तो क्यों इतने चीजों को इकट्ठा करना, जब आप पर अपने परमेश्वर के साथ का आपका जो संबंध है उसे तोड़कर आप चीजों को इकट्ठा क्यों करना चाहते हैं, लक्ष्यों को क्यों पाना चाहते हैं? ऐसा ना करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। मेरी पत्नी जो है, उसको MBA के लिए एडमिशन जब चाहिए था, उसके 2-3 कॉलेजेस थे, एक सेकेंड, हाँ, तो वेलिंगकर कॉलेज करके एक बहुत जाना माना कॉलेज है, वहां पर उसके MBA के लिए उसे एडमिशन मिला था। अब उसे MBA करना था, ये उसका लक्ष्य था, ये उसका एम्बिशन था कि उसे MBA करना था। लेकिन उसके सामने 2 या 3 कॉलेजेस के ऑप्शंस थे और वेलिंगकर एक बहुत अच्छा कॉलेज था जिसके लिए शी वॉज एलिजिबल फॉर दैट, वो वेलिंगकर कॉलेज से अपना MBA कर सकती थी। लेकिन जब उसने 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 इंक्वायरी की, उसे पता चला कि उस कॉलेज में योगा कंपलसरी है, इट इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, उसे योगा करना पड़ेगा। और योगा मतलब ऐसा नहीं कि जैसा हम कुछ क्रिश्चियंस बहाने देते हैं कि अरे ये तो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है, नहीं, वहां पर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। वेलिंगकर कॉलेज को छोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन अपने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ का जो रिश्ता है उसे छोड़कर अगर मैं योगा कर अपने लक्ष्यों को पूरा करूंगा या फिर अपने लक्ष्यों को पालूंगा, उसका कोई अर्थ नहीं बनता। इसके लिए मेरी बीवी ने, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ कि उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर एडमिशन चाहिए। उसके सभी दोस्तों ने और उसके जितने भी जान पहचान के लोग हैं, उन्होंने, वो कॉलेज के लोगों ने भी उससे कहा कि तुम पागल हो क्या, बस इस छोटी सी बात के लिए तुम इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी तुम गवा रही हो, इतना बड़ा एक मौका है तुम्हारे सामने और एक छोटी सी बात योगा करने करके तुम उसे छोड़ रही हो और एक लोअर कॉलेज में तुम एडमिशन ले रही हो, ये किस प्रकार की समझदारी हुई? लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आपके एम्बिशंस के पीछे का लक्ष्य का कारण गलत है और अगर आप एम्बिशंस को पूरा करने के चक्कर में आपका परमेश्वर के साथ, आप परमेश्वर को भा नहीं रहे हो, आप उसे प्रसन्न नहीं कर रहे हो, तो आपके एम्बिशंस व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है एफेसियों के पुस्तक 5:10 वचन में कि फाइंड आउट व्हाट प्लीजेस द लॉर्ड, ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। एज क्रिश्चियंस ये हमारी जिम्मेदारी है कि, और हमें ये कैसा पता चलेगा, इसके लिए मैंने ये इमेज रखा है वहां पर बाजू साइड में, बाइबल का इमेज दिया है। परमेश्वर का वचन हमें जब हम पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज है जो परमेश्वर को भाती है और कौन सी चीज है जो उसे नहीं भाती है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम जानते ही नहीं कि परमेश्वर को क्या चीजें भाती है, तो हम अपने लक्ष्यों को कैसे सेट करेंगे, अपने एम्बिशंस को कैसे सेट करेंगे? तो पहला है कि आप परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ समय बिताइए, मनन कीजिए बाइबल पर और पता कीजिए कि परमेश्वर क्या चीजें है जो उसे भाती है और क्या चीजें जो उसे नहीं भाती है। और उसके बाद आप अपने मोटिवेशंस को उन चीजों पर इवेल्युएट करें। अगर आपके मोटिवेशंस, आपके एम्बिशंस के पीछे का रीजन ऐसे रीजंस है जो परमेश्वर को भाते हैं, तो ऑल द बेस्ट टू यू, आगे जाइए, अपने एम्बिशंस को परस्यू कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपने परमेश्वर का वचन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि आपके एम्बिशंस के पीछे कारण गलत है या फिर अनगॉडली रीजंस है आपके एम्बिशंस के पीछे, प्लीज प्लीज उसके पीछे मत जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक गरीब के साथ रोटी खाना ज्यादा बेहतर है एक अमीर व्यक्ति के साथ घर पे खाके
परमेश्वर की निंदा करने से ज्यादा बेहतर है एक गरीब के घर पे दो वक्त की रोटी खाना। तो फिलोसॉफिकल बातें मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के वचन से बातें कर रहा हूँ। इसके लिए जरूरी है कि हम इन चीजों को जाने, परमेश्वर की इच्छा जाने, ये जाने कि उसे क्या भाता है और उसके हिसाब से हम अपना जीवन की जो महत्वाकांक्षा है, जो जो एम्बिशंस है वो हम सेट करें। बस ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।